हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम वही रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार हम देख लेते हैं। मतलब पूरा नहीं, सिंपल जो फॉर्मूलाज वगैरह जो हमने लिखे थे, एक लिखा था हमने फोकल लेंथ का, मतलब मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू। एक ये फॉर्मूला लिखा था, ये फोकल लेंथ था, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सबको कहां से मेजर करना था, पोल से मेजर करना था, और साथ में साइन कन्वेंशन भी लिखा था। अगर जो लाइट रे इंसिडेंट लाइट है उसके डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हमारा सिंपल था। इसके अलावा एक मैग्निफिकेशन लिखा था हमने, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा इसको हमने माइनस वी बाई यू भी लिखा था। और एक रिलेशन हमने रेडियस और उसके बीच में लिखा था, तो रेडियस जो होता है टू टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ का जस्ट डबल। तो कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे और इन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी, तो की होगी तुमने। ठीक है, चलो हम तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, शॉर्ट एग्जांपल ऑफ क्वेश्चंस। कौन कौन से देखो, एनी फॉर्मूला पे बेस्ड। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें बुक में, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सबसे पहले जो मिरर दिया होता है उस पर ध्यान देना है, कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर, है कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है हमें, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, कितना, 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो बस जो दी है वो लोग, तो बस ऑब्जेक्ट हो गई और उसकी डिस्टेंस दी हुई 5 मीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। क्योंकि फाइंड करना, सी पोजिशन फाइंड करनी है, मतलब रिंग की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका नेचर बताना है और उसकी साइज बतानी है, साइज मतलब कैसी होगी। ठीक, तो हम सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर को ध्यान करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर को ध्यान किया मैंने, इस तरह से होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका सेंटर यहां नहीं होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ, फोकस कहीं पर होता है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, यही बनेगी, और इरेक्ट होती है, डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, और वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, ये इसका नेचर होता है, ये हमेशा ऐसे ही होगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर आ गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई तुम्हें, ठीक है, तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, ये फिक्स है। तो फोकल लेंथ नहीं दी बट रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल लेंगे, आर बाई टू दैट मीन्स 3 बाई 2 मीटर, और इसको हम ये राइट साइड में, इसको पॉजिटिव लेंगे, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने लिखा था हमेशा नेगेटिव लेंगे, तो यू को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1 अपॉन f = 1 अपॉन b + 1 अपॉन u, f का वैल्यू 3/2, 2 पर पहुंच जाएगा, b को फाइंड करना है, u का वैल्यू -5, ये इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, तो 1 अपॉन b = 2/3 + 1/5। सॉल्व कर लेंगे, इसको एलसीएम में ना आता है तुम्हें, 3 और 5 को 15 हो जाएगा, ये 10 + 3, तो ये v का जो वैल्यू आएगा यहाँ से, जो v का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, उसको उल्टा कर देंगे, 15/13। चाहो तुम चेक भी कर सकते हो कि ये इनके बीच में आ रहा है कहीं और पर आ रहा है। तो f की वैल्यू 3/2 दैट मींस 1.5 मीटर, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे, मतलब सिंप्लीफाई करके लिखोगे इसको, ये आ जाएगा 1.1 इसके आसपास, और भी आएगी वैल्यू। ठीक, तो इससे कम आ रहा है, ये टोटल 1.5 है और वो 1.15, मतलब यहां पर कहीं पर, तो P और F के बीच में मिल रहा है, मतलब हमने सही किया, जैसे चेक भी कर सकते हैं कि सही किया या फिर नहीं किया है। ठीक है, और नेचर, तो ये तो पोजीशन हो गई मिरर से कितना डिस्टेंस पर, 1.15 मीटर पर, या 15/13 मीटर पर। अब नेचर, नेचर तो हमेशा ये फिक्स ही रहेगा, इसका क्या होता है, वर्चुअल। ठीक है, V का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, एंड यहां पर हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी। चाहो तो साइज के लिए हम m की वैल्यू भी बता सकते हैं, m इक्वल्स होता है -v/u, v का वैल्यू हमारा 1.15 और u का वैल्यू नेगेटिव में 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई करोगे तो 0. ठीक है, ये आ जाएगा 2 और फिर 1/3, 0.23 के आसपास।
तो जो एक्चुअल इमेज है उसकी अप्रोक्स 1/4 जो एक्चुअल साइज होगी बस की उसकी अप्रोक्स एग्जैक्टली 0.25 आता, दैट मींस 1/4 हो जाता 25% क्लियर है, 1/4 से भी थोड़ा सा कम है, तो बस जो है बहुत बड़ी बस है तो उसकी 1/4 ही वो दिखेगी हमें अप्रोक्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, एम का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, बताइए इरेक्ट वर्चुअल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं ये वाला, ये सोल्ड एग्जाम्पल 10.1 ऐसे 10.2 को देखते हैं एग्जाम्पल बुक का ही। ठीक, इसमें देखो वैल्यूज जो जो वैल्यूज की वाला सबसे पहले उसको लिख लिया करो, जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे वैल्यूज को लिख लो सबसे पहले। तो हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 मीटर इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की साइज लिख लो 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस में रखा हुआ है कॉन्केव मिरर से वो दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव करते फॉर्मूला में तो नेगेटिव ले लेते हैं पहले से, और कौन सा मिरर है कॉन्केव, तो ध्यान देना है मिरर के ऊपर कॉन्केव मिरर है ना, मिरर पे स्पेशली ध्यान देना है कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो कॉन्केव मिरर को ध्यान कर लेते हैं, ऐसा दिखता है कॉन्केव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर फोकस भी इधर, और इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है, तो ऐसे हम ध्यान कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे आएगी तो नेगेटिव राइट साइड पे आएगी तो पॉजिटिव। अब मुझे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, तो जो वर्चुअल इमेज तो हमेशा दिख जाती है हमें कांच के अंदर दिख जाएगी मिरर के अंदर दिख जाएगी, ठीक है मिरर के अंदर उस इमेज को देख सकते हैं पर उसको स्क्रीन पर नहीं बना सकते, और जो रियल इमेज होती है उसको देखना है तो स्क्रीन रखनी पड़ेगी, अगर स्क्रीन नहीं रखोगे तो इमेज नहीं दिखेगी तुम्हें, तो रियल इमेज हमेशा कहां पे बनेगी स्क्रीन पे बनेगी, जैसे तुम मूवी देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, ठीक है, तो सिनेमा हॉल में जो इमेज जो होती है पर्दा जो होता है स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर इमेज बनती है, ठीक है, तो स्क्रीन रखनी पड़ेगी हमें, तो स्क्रीन की डिस्टेंस पूछिए, मतलब वी का वैल्यू पूछना है यहां पर भी, यहां पर इमेज फॉर्म होगी स्क्रीन की डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज वो पूछा है, ठीक है, और साथ में उसका साइज भी बताना है मेजर भी बताना है, तो पहले वी को निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला भाई 1/2 ध्यान होना चाहिए हमें सबको, फोकल लेंथ वैल्यू पुट कर दो या फिर पहले वी 1/b लिख लेते हैं, 1/b = 1/f - 1/u का वैल्यू पुट कर दो, f का वैल्यू -15 माइनस यू का वैल्यू -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब ये तो सॉल्व करना आता है सभी को, इसके आगे क्या करना है हमें, तो 1/b इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास -1/15 माइनस माइनस प्लस 25, एलसीएम लेना आता है, ठीक कितना आ जाएगा ये 75 आ जाएगा एलसीएम, -5 + 3 तो b की वैल्यू मिल गई मुझे 75/2 नेगेटिव में, और बी नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब मिरर के केस में, मिरर के केस में बी नेगेटिव आ रहा है मतलब रियल इमेज है, तो अगर इसको डेसिमल में लेते हैं 37.5 सेंटीमीटर हो जाएगी बी का वैल्यू, ठीक है, फिर एम निकाल लो, एम इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है इसकी दी हुई है तो कितना है 4, इसको 4 पुट कर देंगे, v का वैल्यू माइनस या 75/2 लिख लेते हैं माइनस में, और u का वैल्यू माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस ही बचेगा फाइनली, इससे 3 times कैंसिल 3/2 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो ये 6 आ जाएगा, नेगेटिव में आ रहा है हाइट ऑफ इमेज मतलब इन्वर्टेड बन रही है, और इन्वर्टेड मतलब रियल, तो नेचर क्या क्या हो जाएगा हमारा रियल इन्वर्टेड, और देखो ऑब्जेक्ट की साइज थी 4, इमेज की साइज आ रही है 6, मतलब एनलार्ज्ड है, एनलार्ज बोल सकते हो मैग्निफाइड बोल सकते हो, तो ये इस तरह से हमारा नेचर ऑफ इमेज भी आ जाएगा, पोजिशन आ गई मिरर से कितना डिस्टेंस पर 37.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, लेफ्ट में साइड बनेगा, ठीक है, हाइट आ गई साइज आ गई उसकी इमेज की 6 सेंटीमीटर होगी, और नेचर रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, और चाहो तुम चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे करोगे, फोकल लेंथ कितना है 15, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 30 सेंटीमीटर पर होगा,
ये 15 है तो ये 30 प्लस डबल, ये 25 है, 25 मतलब सी और एफ के बीच में कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा होता है तो हमने जो केसेस लिखे थे वहां पर, तो ये फोर्थ नंबर का केस है, फोर्थ नंबर का केस जब सी और एफ के बीच में तो इमेज जो होती है बियॉन्ड सी बनती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, एनलार्ज होती है, बियॉन्ड सी मतलब 30 के बाद बनेगी, 30 के बाद ही बनेगी, 37.5 चेक भी कर सकते हैं इजिली कि हमने सही किया है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद ग्लूइंग वाले क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूइंग वाले क्वेश्चन क्या है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ बतानी है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की कर देंगे आधा कर देंगे तो फोकल लेंथ मिल जाएगी, हो गया सॉल्व। फिर एक मिरर है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड, 3 times मैग्नीफाई कर रही इमेज को, रियल इमेज और ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इट 10 centimeter इन फ्रंट ऑफ इट वेयर द इमेज लोकेटेड। तो इमेज कहां पर होगी, इमेज की पोजीशन बतानी है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है इसके लिए, रियल इमेज के लिए। तो एम के हमने पॉजिटिव नेगेटिव साइन लिया था, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ग्लूइंग वाला, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 times और एम को पॉजिटिव नेगेटिव लिया था, पॉजिटिव मिला था जब वर्चुअल इमेज जो फॉर्म होती है तो एम को पॉजिटिव लेते हैं, और जब रियल इमेज फॉर्म होती है तो एम को नेगेटिव लेते हैं, और एम को लिख सकते हैं -v/u। तो ये माइनस माइनस, तो वी का वैल्यू जाएगा 3 times ऑफ यू आ जाएगा। अब यू कितना दिया हुआ, यू दिया हुआ हमें 10 centimeter, 3 into 10 दैट मीन 30 centimeter। तो ये क्या जाएगी हमारी इमेज आ जाएगी, इमेज कितनी डिस्टेंस पर होगी, 30 centimeter पर। और चाहता तो यहाँ से फोकल लेंथ भी पूछ सकता था, अगर फोकल लेंथ पूछता तो फोकल लेंथ निकाल लेते, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज को नेगेटिव लेंगे हम, चाहो तुम यहाँ से भी नेगेटिव कर सकते थे, इसको माइनस 10 रखते, यू को नेगेटिव, तो ये -30 रहता, ठीक है। मतलब ये वी नेगेटिव आ रहा है, मतलब रियल इमेज ही है, वी का वैल्यू -30, यू का वैल्यू -10, सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम 30 यहाँ जाएगा -1 या -3, तो ये फोकल लेंथ आ जाती है हमारे पास 30/4। -7.5 centimeter। तो ये इस तरह से फोकल लेंथ भी पूछ सकते थे इस क्वेश्चन में, उसने यहीं तक ही पूछा था तो यहां तक हमारा खत्म हो गया, चाहते तो फोकल लेंथ में निकाल सकते थे। तो ये हो गया रियल इमेज, अगर वो क्वेश्चन बोलता वर्चुअल इमेज, तो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज भी मैग्निफाइड बनती है, कब, जब 6 case जो हमने दिखा था, 6 case क्या था, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, एफ और पी के बीच में, फोकल फोकस और पोल के बीच में जब होता है ऑब्जेक्ट तो मैग्निफाइड इमेज बनती है। तो देखो एम को अगर मैं पॉजिटिव लेता वर्चुअल केस में, अगर वर्चुअल इमेज होती तो पॉजिटिव लेते थे, बी का वैल्यू जो आता हमारा +30 होता, यू को माइनस में लेते, ये प्लस, तो माइनस और माइनस ये हमारा हो जाता प्लस हो जाता, +30 मिलता। इसको सॉल्व करते तो फोकल लेंथ अलग आती, अलग आंसर आता है, फोकल लेंथ का बी का वैल्यू वही मिलता और वो एफ हमारा अलग आता, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ग्लूइंग वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सॉल्ट एग्जांपल कर चुके हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस जो चैप्टर है इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सरसाइज जो चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है ग्रीन कलर से अलग से बनी हुई है वो, ठीक है। चाहो तो तुम्हारे पास अगर बुक है टेक्स्ट बुक तो उसमें से देख सकते हो, अगर नहीं है तो इसे मैंने डाउनलोड की हुई है मोबाइल के अंदर, वैसे तुम मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर किसी में भी डाउनलोड करके देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें एक्सरसाइज लास्ट में जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व करना है, और एक सॉल्व करना है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4, और सॉल्व करना है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 14 15 ठीक है, ये सब क्वेश्चंस करने हैं। तो कितने हो गए ये 2, 4, 5, 7, 8 तो टोटल 8 क्वेश्चंस हो गए, ये तुम्हें सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताना है और साथ में इनके आंसर भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में, तो तुमने सॉल्व किए चाहो तो जो सॉल्यूशन है तुम्हारा उसको फोटो खींचकर इमेज उसकी इमेज लेकर उस इमेज को तुम व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो ऑफिस के नंबर पे अपना नाम के साथ, है ना। तो तुम्हारा ये होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क तुम्हें करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम आ जाते हैं यूजेस पर, यूजेस ऑफ मिरर। ठीक है, एक तो प्लेन मिरर होता है तो प्लेन मिरर का यूज तो सब जानते ही है। ठीक है, हम प्लेन मिरर के सामने डेली खड़े होते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, बाल संवारते हैं। ठीक है, जो भी करना होता है मतलब कपड़े वपड़े पहनना, मान लो कैसा देख रहे हैं इस कपड़ों में, या कहीं कपड़े लेने जाते हैं तो पहन पहन के देखते हैं कि इन कपड़ों में कैसा लग रहा है, तो सारे कौन से मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर के यूजेस तो हमारे वैसे हमारे बुक में इसमें दिया हुआ नहीं, पूछेंगे मैंने कोई भी। तो जो यूजेस ऑफ मिरर है उसमें एक तो हमारा जाएगा कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव को देखेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं। एक तो ये यूज में आता है इन सर्च लाइट, टॉर्च, हेड लाइट ऑफ व्हीकल्स, कहां पर काम में आता है वहां दिखता नहीं है मिरर, तो मिरर दिखेगा तुम्हें कहां पर दिखेगा, जैसे सर्च लाइट, टॉर्च वगैरह। ये आजकल टॉर्च भी कोई नहीं, तो मोबाइल के टॉर्च की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में टॉर्च आते हैं जिसमें हैंडल होता है, बल्ब लगा होता है, एलईडी या कुछ भी लगा, उसके अंदर सेंड वगैरह डालते हैं या बैटरी वगैरह डालते हैं। ठीक है, सर्च लाइट, सर्च लाइट तुम्हें मिलेगी जैसे कोई थिएटर वगैरह होता है, थिएटर वगैरह में कोई भी परफॉर्म करना आता है, पूरे में अंधेरा होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर वो लाइट डालते हैं, उसको तुम चाहो तो उसको सर्च लाइट या स्पॉट लाइट बोल सकते हो, स्पॉट लाइट, सर्च लाइट। ठीक है, ऐसे ही मतलब एक बीम होती है, पैरेलल बीम जाती है जिससे हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन में देख सकते हैं, जैसे वॉच टावर वगैरह जो होते हैं कहीं कहीं पर, नेवी जो पोस्ट जो होती है बॉर्डर वगैरह पर, वहां पर सर्च लाइट लगी होती है। ठीक है, वहां पर लोकेशन वगैरह देखने के लिए सर्च लाइट, टॉर्च और हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। तो इन सब में क्या होता है, इन सब में जो लैम्प जो होता है हमारा, जो बल्ब वगैरह जिसको भी लगाएंगे, हेलोजन वगैरह जो भी, तो ये इस तरह से गाड़ी की हेडलाइट हो, सर्च लाइट हो, टॉर्च हो, उसका जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो ऐसे मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, उस कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पर फोकस, जो फोकस होगा उस पर लैम्प लगा होता है, लैम्प का लगा होगा जो लाइट जो होगी, बल्ब जो होगा बड़ा सा हाई पावर वाला बल्ब, वो उसकी कहां पर रखा होगा, फोकस पर रखा होता है, फोकस पर रखा होता है, तो इससे लाइट निकलती है, सब तरफ निकलेगी, मिरर पे भी गिरेगी, तो इससे मिरर पे से लाइट निकलती है। और तुम्हें पता है अगर फोकस से लाइट अगर पास होती है, जिससे फोकस से अगर लाइट पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे पैरेलल जाएगी। तो सर्च लाइट, टॉर्च या कुछ भी है तो उससे क्या होता है, सिर्फ पैरेलल बीम निकलती है ऐसे सीधी, और इस बीम को चाहो तो तुम देख भी सकते हो कैसे नाइट के टाइम पे इजीली विजिबल होती है, रात में हमें जैसे गाड़ी है, गाड़ी की हेडलाइट, तो गाड़ी की हेडलाइट का जो पूरा पाथ होता है वो विजिबल होता है। वो एक इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट नाम, अगर तुमने सुन रखा होगा 9th क्लास में, तो उससे जो लाइट होती है उसका पाथ विजिबल हो जाता है, तो वहां से तुम देख सकते हो कि पूरी पैरेलल बीम जाती है वो हेडलाइट से निकलती है। क्या इसमें क्या होता है, इन सभी में सर्च लाइट, टॉर्च, हेडलाइट्स और व्हीकल, इस सब में लैंप जो होता है, बल्ब जो होगा जिससे लाइट निकलेगी, वो कहां रखा होगा, फोकस पे रखा होगा, अंदर वाला पोर्शन पूरा मिरर होता है। चाहो तुम अपनी अभी जाकर गाड़ी की हेडलाइट को ध्यान से देखना, तो ऐसे मुड़ी हुई दिखेगी वो गाड़ी की हेडलाइट, थोड़ी मुड़ी हुई सरकार दिखेगी, बल्ब लगा होगा तो उसे बीम जो निकलेगी इसे पैरेलल बीम मिलेगी, यहां पर यूज होती है। इसके अलावा यूज में रहते हैं इसको, दूसरा यूज होता है
हैज शेविंग मिरर, शेविंग मिरर बोल दो, या फिर मेकअप वगैरह करना है तो उसके लिए छोटी साइज का मिरर जो होता है। नॉर्मली शेविंग मिरर में हम क्या करते हैं, बड़ा मिरर यूज करते हैं, पर मान लो अगर तुम्हें बड़ी साइज का नहीं, तुम्हें पॉकेट वगैरह किसी में रखना है, कहीं भी जाते चलते शेव करना है तो छोटी साइज का, या मेकअप वगैरह करना है तो छोटी साइज का मिरर आता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। तो उस कॉनकेव मिरर में क्या होता है, एक बताया था हमने, अगर थर्ड सेक्स जो गेज था ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसकी एनलार्ज इमेज दिखती है, बड़ी इमेज दिखती है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में तो क्या होता है, प्लेन मिरर में सेम साइज दिखता है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी साइज की इमेज होगी, मतलब जितने साइज का हमारा फेस होगा उतने साइज का मिरर में दिखेगा। तो उसकी जगह अगर कॉनकेव मिरर यूज में है तो कॉनकेव मिरर में हमारे फेस की साइज दिखेगी, उसके अंदर थोड़ी बड़ी दिखेगी, तो इजीली डिटेल्ड हम उसमें देख सकते हैं। मैं फेसेस से जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते हैं मेकअप वगैरह करते हैं तो उनके लिए ये चीज अच्छी रहती है, कॉनकेव मिरर से अगर वो देखे तो। एक यूज ये हो गया, इसमें ये वाला फंडा यूज में आ रहा है, सिक्स वाला केस। ठीक है, और एक हो जाएगा डेंटिस्ट यूज में लेते हैं, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या करते हैं, डेंटिस्ट भी सेम यही इसी फंडे पे काम करते हैं, मैंने पहले भी बता चुका है, तो दांतों की साइज होती है बहुत छोटी होती है, अगर कैविटी वगैरह अंदर को देखना है तो वो बहुत छोटा सा दिखेगा, पूरा क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, एक चिमटी सी होती है, उसके आगे आगे वाले पोर्शन पे छोटा सा मिरर लगा होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है, उसको ऐसे मुंह खुलवाते हैं, उसको ऐसे डालते हैं, उसके ऊपर लाइट डालते हो दांत के ऊपर। ठीक है, एक टॉर्च से देखते हैं, उस मिरर के अंदर देखते हैं, छोटा सा मिरर जो होता है तो उसमें उस जो टीथ होता है उसकी एनलार्ज इमेज दिखती है, हमें बड़ी इमेज दिखती है, तो प्रॉब्लम जो भी होगी वो दिख जाती है उस डेंटिस्ट को, तो देख रहे हैं। तो ये होगा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। एक और इसका सोलर फर्नेस में भी यूज में लाते हैं, सोलर फर्नेस। ये सोलर फर्नेस क्या होता है, फर्नेस मतलब जनरली टर्म यूज में रहते हैं किसी भी चीज को हमें मेल्ट करना होता है, मेटल्स वगैरह किसी चीज को मेल्ट करना है, पिघलाना है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है उस जगह पर जिससे वो चीज मेल्ट हो जाए, तो नॉर्मली वो फर्नेस होता है। इसमें क्या होता है, सोलर फर्नेस में अच्छा बहुत बड़ी साइज का मिरर होता है, बहुत बड़ी साइज का, लार्ज साइज का, बहुत लार्ज साइज का मिरर होता है। ठीक है, उस लार्ज साइज के मिरर पे वो जैसे सन जो होता है उसके साथ साथ में थोड़ा सा रोटेट होता जाता है हल्का, जैसे मान लो यहां से तो उससे पैरल रेज आ रही होगी, सन से पैरल रेज आएगी ऐसे, तो पैरल रेज क्या होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाएगी, सारी जितनी भी रेज है वो एक पॉइंट पर आके कन्वर्ट हो जाएगी और इस जगह पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और किसी ऑब्जेक्ट वगैरह किसी को रखेंगे तो वो गर्म होकर पिघल भी सकते हैं। इस तरह से सोलर फर्नेस भी यूज में ला सकते हैं। इस तरह का एक्सपेरिमेंट तो तुमने किया होगा, पर इससे मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट किया होगा तुमने बचपन में। ठीक है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उससे उसका भी सेम फिनोमेना होता है। ठीक है, बट वो थोड़ा हैवी होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा तो हम यूज में रह सकते हैं। तो इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास सबने देखा होगा, इसके बीच में लेंस लगा होता है, सबने यूज भी किया होगा गर्म करने के लिए, किसी कागज वगैरह को जलाने के लिए, माचिस की तीली जलाने के लिए। तो क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास को से पकड़ते हैं हैंडल को, ठीक है, एक कागज लेंगे, एक कॉटन लेंगे या फिर माचिस की तीली लेंगे, ठीक, और उसके ऊपर क्या करते हैं, वैसे लाइट को फोकस करते हैं छोटे से पॉइंट के ऊपर, थोड़ी देर तक ऐसा रख देते हैं तो कागज काला हो जाता है और थोड़ी देर में उसमें धुआं निकलने लगता है, कॉटन में से धुआं निकलने लगता है, और माचिस की तीली पे रखेंगे थोड़ी देर तक ऐसे दिखाकर तो क्या होती है, जल जाती है माचिस की तीली। किसी ने नहीं किया तो कर सकते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास में स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगा कहीं पर भी, ठीक है, और वहां से फिर तुम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सेम वैसे ही ये भी क्या करते हैं, लाइट को फोकस करता है, इसको पढ़ेंगे हम आगे इसी चैप्टर में रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में। तो लेंस की जगह वहां पर मिरर यूज में रहते हैं, मिरर को हम बहुत बड़ा साइज का बना सकते हैं, लेंस को इतना बड़ा साइज का नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है लेंस, ठीक है, और उससे फिर हम सोलर फर्नेस की तरह उसको यूज में ले सकते हैं। किसी किसी मूवीज में भी तुमने देखा होगा, किसी बॉन्ड की मूवी अगर किसी ने देखी होगी तो उसमें भी एक जेम्स बॉन्ड की मूवी 007, तो उसमें भी एक था, मतलब एक स्काई के अंदर बहुत बड़ा एक वो बना देते हैं, उससे सन की लाइट को सीधी कन्वर्स करके अर्थ के ऊपर डालते हैं बहुत बड़ी, जिससे जो भी जल होती है उसको जला देते हैं, इस टाइप से कुछ मशीन बनाई थी। ठीक है, वो सारी फिक्शनल थी, ऐसा कुछ हम इतनी बड़ी चीज को स्पेस में रोक नहीं सकते अर्थ के आसपास, मतलब क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पर वो इस तरह से यूज में लिया कि इस तरह से उसको एक वेपन भी बना सकते हैं अर्थ को जलाने के लिए, एरिया को जलाने के लिए, तो सोलर फर्नेस हो गए।
ठीक है, ये यूजेज हो गए हमारे किसके, कॉनकेव मिरर के। फिर दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका एक ही यूज है, इसके अंदर तीन चार नहीं है, एक ही यूज है इसका। ठीक, यूज और भी होंगे बट बुक में हमारा एक ही है, तो कॉन्वेक्स मिरर। क्या यूज है इसका, यूज एज रियर व्यू मिरर। इन व्हीकल्स फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए यूज कर लेते हैं इसको, रियर व्यू मिरर। तो बाइक हो, कार हो, कोई भी हो, सब में क्या होता है, रियर व्यू मिरर होता है। ठीक है, और जैसे बाइक वाले तो बहुत कम यूज कर लेते हैं रियर व्यू मिरर, जो नॉर्मली जो नया नया सीखते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, या जहां पर ट्रैफिक थोड़ा नॉर्मल रहता है, तो वहां पर लोग बाग इसको रियर व्यू मिरर को यूज कर लेते हैं बहुत सारे, तो बाइक से हटा भी देते हैं। पर जो एक्सपीरियंस जो होता है वो चलाने वाला, वो रियर व्यू मिरर को हमेशा व्हीकल्स में रहता है सेफ्टी के लिए, कार में हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है, ट्रक्स वगैरह, बस ड्राइवर जो भी होते हैं, वो सब रियर व्यू मिरर लगा कर रहते हैं, क्योंकि रियर व्यू मिरर से हमें पता चल जाता है कि हमारे जो पीछे कुछ क्या चीज है, मतलब वॉल है, जैसे ब्रेक में ले रहे हैं, अगर जैसे कार वगैरह को ब्रेक में ले रहे हैं तो उससे पता चल जाता है, पीछे से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, कोई जानवर तो नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम गर्दन को बिना पीछे घुमाए सामने से देखते हुए हल्का सा नजर को तिरछा करेंगे, सामने जा रहे हैं हम सबको देख रहे हैं, और हल्का सा तिरछा नजर करेंगे तो क्या होगा, हमें वो पीछे कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा वो दिख जाता है। ठीक है, हमें अगर रियर व्यू मिरर नहीं हुआ और पीछे किसी चीज को देखना था, गर्दन घुमानी पड़ेगी, और गर्दन घुमाएंगे तो सामने आगे गाड़ी रुक जाएगी, तो सेफ्टी के लिए इसको लगाना जरूरी होता है रियर व्यू मिरर। और रियर व्यू मिरर में जो लगाते हैं, कौन सा मिरर लगाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका क्या, इससे क्या क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, रियर व्यू मिरर, हमारे यहाँ बस भी आ रही है बहुत बड़ी, ठीक है, बस भी आ रही होगी तो उसकी इमेज जो दिखेगी तुम्हें बहुत छोटी सी दिखेगी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज को, तो बड़ी सी बस होगी उसकी इमेज भी तुम्हें छोटी दिखेगी। ठीक है, छोटी दिखेगी तो क्या लगेगा, वो दूर बन रही है, पर दूर नहीं बनती एक्चुअल में, वो दूर नहीं होती बस, वो बस पास में ही होती है। पर प्लेन मिरर भी लगा सकते थे, पर प्लेन मिरर की जगह इसको लगाने से क्या फायदा होता है, इसको लगाने से फायदा होता है कि हमें वाइडर मेन पॉइंट जो इसका वाइडर व्यू मिलता है। ठीक है, कवर लार्ज एरिया देन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कंपेरिजन में ज्यादा लार्ज एरिया कवर करता है कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि उसकी मुड़ा हुआ होता है, जो घुमा हुआ होता है। देखो इसको हम रे डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे प्लेन मिरर की बात करो, ये प्लेन मिरर है हमारा। ठीक है, तो यहां से यहां पर तुम देख रहे हो, मान लो इसको तो ऐसे लाइट रहे यहां पे, तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट होगा पीछे तुम्हारे, इधर कहीं तो उसको देख सकते हो, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इनको तुम यहाँ से इस मिरर की हेल्प से देख सकते हो पीछे क्या है, बाकी इनके बीच में जितने भी होंगे सब दिखी जाएंगे, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला दिखी जाएगा। और इसकी जगह अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं, तो घुमाने से क्या फायदा होता है, दूर जो होगा ये ऑब्जेक्ट, इधर भी होगा तभी वो रिफ्लेक्ट होगा, यहां पहुंच जाएगी, यहां पर भी होगा इधर इस साइड पर, तो ये रिफ्लेक्ट होगा यहां पहुंच जाएगी, तो ये ऐसे एजेस पर मुड़ा हुआ है, तो ये वाइडर एरिया, ये ऐसे ऐसे इतना एरिया कवर कर सकता है, लार्ज एरिया कवर कर सकता है, पीछे का इतना विड्थ कवर कर सकता है पूरी। चाहो तो तुम देख भी सकते हो, जैसे कार में दोनों टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर भी होता है और कॉन्वेक्स मिरर भी होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर लगा होता है बिल्कुल ऐसे गाड़ी के अंदर ही लगा होता है, वो जो आगे की दोनों की फ्रंट सीट जो होती है उसमें जो विंड शील्ड के जस्ट ऊपर की तरफ देखोगे तो इस तरह से एक मिरर होता है, इस तरह से शेप में वो प्लेन मिरर होता है। ठीक है, और साइड्स में जो लगा होता है बाहर की तरफ कार में, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो जब तुम देखोगे तो उस साइड उस वाले मिरर में देखोगे तो तुम्हें पीछे वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब छोटे छोटे दिखेंगे। ठीक है, और वो बड़ा एरिया कवर कर रहा होगा पूरा रोड, मतलब फोर लेन भी होगा तो उसको भी कवर कर लेगा, पूरी फोर लेन को भी कवर कर लेगा। और जो बीच वाला जो मिरर है उसमें जो साइज है ऑब्जेक्ट का, कार की जो साइज है, कार की एग्जैक्ट साइज दिखेगी, क्योंकि वो प्लेन मिरर होता है, पर वो लेस एरिया कवर करेगा तुम्हारा, ज्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं करता।
ज्यादा विड्थ कवर नहीं करता, तो विड्थ ज्यादा कवर करता है, इसलिए हम प्लेन की जगह किसको लगाते हैं, इस वाले मिरर को लगाते हैं, जिससे हमें अगर पीछे पांच छह गाड़ियां भी आ रही है तो वो भी सारी गाड़ियां दिख जाए हमें, तो वाइडर व्यू, ये मेन चीज है, ज्यादा एरिया कवर करता है। ठीक है, तो यूजेज होते हैं मिरर के, कॉन्वेक्स के और कॉनकेव के, तो इनको ध्यान में रख सकते हो। तो जो मिरर वाला पार्ट है ये हमारा इधर पूरा हो चुका है, मिरर वाला पोर्शन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट पोर्शन पे हमारे इस चैप्टर के, वो हो जाएगा रिफ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी हम भी एक्सपीरियंस करते हैं सभी डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ में देखो कैसे रिफ्रैक्शन को हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे मान लो तो कांच की ग्लास तो सभी के घर में होगा, सब तो शरबत वरबत है ना, अभी शिकंजी पीनी है, रसना पीना है, ठीक है, जूस पीना है, अलग अलग, तो सब कांच की ग्लास रखते हैं। तो कांच की ग्लास में क्या करो, पानी भरो, भर लिया पानी, पानी भरने के बाद उसमें डाल दो कॉइन। अब उस कॉइन को देखो ऊपर से, जब तुम कॉइन को ऊपर से देखोगे तुम्हें वो ऊपर से जब देखोगे तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ये कॉइन जो है यहाँ नहीं दिखेगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तुम्हें पता है कि इसकी डेप्थ उतनी है, उतनी डेप्थ पे दिखना चाहिए, उतनी डेप्थ पे दिखता है वो थोड़ा ऊपर दिखता है। या फिर इस कॉइन को तुम किस साइड से देख रहे हो, साइड से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, तो कॉइन जो नॉर्मल साइज नहीं दिखेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा, बड़ी साइज का दिखेगा, जो साइज है उससे थोड़ा बड़ा साइज का दिखेगा, इस साइज का नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा तुम चाहो तो इसमें एक पेंसिल वगैरह कुछ भी डाल दो, पेंसिल जो है यहां तक तो नॉर्मल दिखेगी इस जगह तक तो, पर जैसे पानी वाला अंदर वाला जो पोर्शन है वो ऐसे सीधे दिखेगी, थोड़ी मुड़ी दिखेगी, तो मैं देखो पानी के अंदर जाते ही वो पेंसिल मुड़ेगी, साइड से देखना है ना, ऊपर से देखना है इसको, साइड से देखना है, साइड से देखो कि यहां तक तो नॉर्मल दिखेगा, जैसे पानी के अंदर वाला पोर्शन है वो तुम्हें अलग दिखने लग जाएगा। ठीक, तो इन सबका जो रीजन होता है, इनका रीजन होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब जब लाइट क्या होती है, एक मीडियम से, जैसे यहां से आ गई, एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से ट्रेवल करती है दूसरी मीडियम में जाएगी, तो यहाँ दो मीडियम है, क्या क्या होगा, एक तो वाटर हो गया मीडियम, एक हो गया एयर, यहाँ ऊपर एयर है, यहाँ पर वाटर है, तो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, लाइट ट्रेवल करते इजीली ट्रांसपेरेंट मीडियम में इजीली ट्रेवल कर सकती है, जो ओपेक मीडियम होता है वहां पर लाइट एंटर नहीं करती। ठीक, इनमें ट्रेवल कर सकती है तो इसमें ट्रेवल करेगी लाइट, ठीक है, फिर इससे इसमें ट्रेवल करेगी, फिर इससे इसमें ट्रेवल करती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है, जैसे हम एक स्ट्रेट लाइन से मूव करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, इस इंटरफेस पे जब ये पहुंचेगी, इस इंटरफेस पे, तो ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, इसे मुड़ जाएगी, सीधी सीधी जाती जाती जैसे इंटरफेस से बाहर निकली दूसरे मीडियम में मुड़ जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होती है, बेंड हो जाती है, और इसी फिनोमेनन को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है इसको, हम ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं, when traveling through one transparent medium to another transparent medium direction of light rays changes, या फिर और लग ले सकते हो, the bending of light ray while traveling from one medium to another is called refraction of light. इस फिल्म को बोलेंगे refraction of light. एक medium से दूसरे medium में जाएगी, उसकी direction change हो जाएगी, bend हो जाएगी,
तो इस फिनोमेनन को बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका रीजन क्या होता है, बैंड की होती है इट इज ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इट इज ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन मीडियम चेंजेस, ऐसा लिखो या स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी, जैसे एयर के अंदर अलग होगी, वॉटर में चली गई अलग हो जाएगी, ग्लास में चली गई अलग हो जाएगी, ठीक है, सब में अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में मैक्सिमम होती है और एयर में थोड़ी सी कम होती है, वैक्यूम से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, पर हम क्या करते हैं उसको अप्रोक्स सेम ही मान लेते हैं, जितनी वैक्यूम है उतनी अप्रोक्स एयर में भी है, पर एयर में कम होती है, जिसको उनसे पूछे कि सबसे ज्यादा किसमें होती है, वैक्यूम में होती है, फिर वैक्यूम के बाद फिर किसमें आएगी थोड़ी, मतलब सबसे ज्यादा वैक्यूम में उसे थोड़ा सा कम किसमें होगा, तो थोड़ा सा कम हो सकता है उसमें एयर में होगा। पर इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जब हम पढ़ेंगे एयर और वैक्यूम को सेम मान लेंगे, सेम नहीं होते पर यहां पर मान लेंगे पढ़ने के लिए बस, ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है उसको सी से नोट करेंगे 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एग्जैक्टली होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसको अप्रोक्स इतना रख देते हैं, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, अब किसी को कोई रखना चाहे तो रख सकता है, वैक्यूम में एक्चुअल स्पीड ये होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, और फिर किसी भी मीडियम में जाएंगे एयर में थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसे इस वैल्यू से थोड़ा सा कम कर दो, फिर वाटर में कम हो जाएगी, ग्लास में और कम हो जाती है, ग्लास में 3×2 आ जाएगा 2×10⁸ मीटर पर सेकंड, तो जैसे जैसे डेंसर मीडियम आता जाएगा स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती जाएगी, इन डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, जितना ज्यादा डेंसर होगा उतना ज्यादा डिक्रीज होती जाती है लाइट रे, ठीक है, जैसे एयर रेयर है, फिर एयर के कंपैरिजन में वाटर जो होगा थोड़ा डेंसर मीडियम होगा तो उसमें डिक्रीज होगी, और वाटर के कंपैरिजन में ग्लास जो होगा वो और ज्यादा डेंसर होगा तो उसमें और डिक्रीज हो जाएगी, फिर ग्लास की कंपैरिजन में डायमंड जो होता है ट्रांसपेरेंट डायमंड उसमें और कम हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसे जैसे जैसे डेंसर मीडियम डेंसर होता जाएगा स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती जाती है, तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट रे बैंड की हो रही है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट है, और इसका एक्चुअल रीजन जब तुम पढ़ोगे वो एक्चुअल रीजन तुम्हें मिलेगा 12th क्लास में, ठीक है, और डिटेल में, मतलब एक्चुअल रीजन तो है मतलब इसको और ज्यादा डिटेल में स्पीड को चेंज होने से क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी तो ये तुम फंडा ध्यान रख सकते हो, फंडामेंटल वैल्यू मतलब कॉन्सेप्ट की स्पीड की वजह से चेंज हो रहा है डायरेक्शन बैंड हो रही है लाइट रे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, एक टर्म होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ये स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वैल्यू होती है, इससे हम क्या बता सकते हैं कि कोई भी मीडियम वैक्यूम या एयर कंपैरिजन में कितना ज्यादा डेंसर, तो जितना ज्यादा डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, तो लेस डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होगा, तो यहां से हम पता क्या करना चाहते हैं कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है कम डेंसर है, तो उसके लिए हम रेफर कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर हम
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देते पहले, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में आर आई लिख रहा हूं, तुम पूरा समझना इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं या फिर म्यू से भी, म्यू या फिर एन। ये एक्चुअल में एम होता है, इसको ग्रीक लेटर में एम को ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे ये एम को घुमा दिया ऐसे, ठीक है। इसको रीड करते हैं म्यू, म्यू रीड करना है इसको, म्यू है ये, तो म्यू या फिर एन से डिनोट कर सकते हैं, म्यू से भी कर सकते हैं, एन से। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम स्पीड डिवाइड बाय मीडियम स्पीड, तो मीडियम में जितना कम स्पीड होगा, ये वाली वैल्यू जितना कम होगी अपॉन वाली वैल्यू, ये उतना ज्यादा होगा। और स्पीड कम है मतलब डेंसर ज्यादा है, ज्यादा डेंसर है मतलब म्यू का वैल्यू ज्यादा है, तो म्यू का वैल्यू ज्यादा का मतलब हमारे पास क्या है कि डेंसर मीडियम, वहां पर क्या होगी स्पीड की वैल्यू कम होगी, तो ये म्यू हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? रेशियो होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको चाहो तो मैं ऐसे फॉर्मूला एन इक्वल्स टू सी बाय वी, एन इक्वल्स टू सी बाय वी, सी मतलब वैक्यूम में स्पीड, वी मतलब मीडियम में स्पीड। जैसे हम ग्लास के लिए फाइंड कर सकते हैं, फॉर ग्लास तो उसको चाहो तो तुम एन जी लिख लो, जी फॉर ग्लास, एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ग्लास में स्पीड होती है 2 × 10⁻¹⁸। सॉल्व करेंगे तो 3/2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 दैट इज 1.5 मिल जाएगा। इसकी कोई यूनिट वगैरह नहीं होती है क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाता है, तो ये यूनिट लेस होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, सिंपल ये वैल्यू मिलेगी तुम्हें, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 × 1.5 ऐसे बता सकते हैं। ऐसे वाटर का भी निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें स्पीड पता होगी, ठीक है, या फिर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो मैं स्पीड बता सकता हूँ वाटर में स्पीड क्या होगी। जैसे मान लो तुम्हें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिया हुआ है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, फिर तुमसे पूछते हैं स्पीड क्या होगी, तो क्या करोगे तुम? एन की जगह लिखोगे 4/3, सी की जगह लिखोगे 3 × 10⁻¹⁸ डिवाइड बाई वी, तो यहां से क्या होगा, वी की वैल्यू मिल जाएगी, वी इधर आ जाएगा, 3 इधर, 4 इधर, तो ये हो जाएगा 9/4 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये वाटर के अंदर स्पीड आएगा। तो ऐसे में अगर कोई वैल्यू गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो उससे हम क्या बता सकते हैं? स्पीड बता सकते हैं। और अगर स्पीड गिवन है, ऐसी स्पीड गिवन है, तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो उससे स्पीड आ जाएगी। वैक्यूम वाली हमें ध्यान रखनी है, वैक्यूम सी का वैल्यू 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे हमें क्या पता चल जाएगा? जितनी ज्यादा वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उससे हमें पता चल जाएगा वो मीडियम उतना ज्यादा डेंसर है, और जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी उस मीडियम के अंदर। ज्यादा डेंसर स्पीड कम, जितनी ज्यादा डेंसर है उतना ज्यादा स्पीड कम, ठीक है, ऐसा ध्यान रख सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। फिर एक आता है इसी के अंदर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब दो मीडियम को हम रिलेट करेंगे, कौन ज्यादा डेंसर है और कौन रेयर है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, दो मीडियम, एक मीडियम वन और एक मीडियम टू लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो ध्यान से सुनना, इसको लिखना कैसे, इसको लिखना है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन, तो टू और वन ऐसा लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन। ये क्या होगा? ये होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन।
तो जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं मीडियम के ऊपर, तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू मीडियम है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एंटी को लिख सकता हूं मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, एन वन को लिख सकते स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। सी और सी कैंसिल आ जाएगा, वी ऊपर आ जाएगा, वी वन ऊपर आ जाएगा, वी वन नीचे, वी वन अपॉन वी टू, तो ये जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ये भी हो सकता है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे, अगर तुम्हें उल्टा लिखना है रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, वन का लिखना है विद रिस्पेक्ट टू टू, वन का लिखना है विद रिस्पेक्ट टू टू, तो कैसे लिखेंगे उसको, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो वन वाला ऊपर आएगा टू वाला नीचे आएगा, स्पीड की फॉर्म में लिखना है कैसे लिख देंगे, सी बाय वी वन सी बाय वी टू, तो जाएगा वी टू बाय वी वन। सो चलो तो वैसे भी ध्यान रख सकते हो स्पीड की फॉर्म में अगर लिखना है तो जो वन जो आ रहा है एन वन, वन वाला नीचे आएगा, जो पहले लिखा हुआ है नीचे आएगा, और जो बाद वाला है वो ऊपर आएगा, ऐसे ध्यान में रख सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया, क्या दिया एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, वो दिया हुआ है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वॉटर, पानी में दी स्पीड ऑफ लाइट, वो दी हुई है मैं 9×4×10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर तुमसे पूछ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वॉटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वॉटर, क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वॉटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वॉटर, तो यहां पर आ जाएगा वॉटर की स्पीड डिवाइड बाय ग्लास की स्पीड उल्टा, है ना, जो पहले आएगा वो अपॉन में आएगा, जो बाद में आएगा ऊपर आएगा स्पीड वाले में, तो स्पीड वाटर कितनी 9×4×10⁸, और इसकी कितनी 2×10⁸, तो जाएगा 9/8, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8। अगर उल्टा पूछ लेता रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, उसको उल्टा कर देते वो 8/9 आंसर आ जाता, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो अगर तुम्हें स्पीड नहीं दिया हुआ है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है, सपोज जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 3/2, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4/3, उसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास ऊपर वाटर का नीचे 3/2 4/3, सॉल्व करेंगे 9/8, तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा लिख देंगे सीधा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसको हमने क्यों लिखा क्यों फाइंड किया, तो इससे ये हमारा यूज में आएगा आगे, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो लिखेंगे उसी को पढ़ लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Laws of refraction. तो देखो सबसे पहले जैसे रिफ्रैक्शन हम बना लेते हैं, यहां पर होता क्या है, इसमें जैसे मान लो इसमें दो मीडियम होते हैं, एक ये मीडियम हो गया मीडियम वन, इधर वाला मीडियम टू, ठीक है, ये दोनों का इंटरफेस हो गया, इंटरफेस जैसे मान लो ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला पानी है, यहां ऊपर एयर, फिर ये इसकी सरफेस वॉटर की सरफेस, और नीचे पूरा पानी है, ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक। अब क्या होता है, इसमें एक ऑब्लिकली आ रही है,
नाइट ट्रेन ऑब्लिकली ट्रेवल करेगी, ध्यान रखना इसे ऑब्लिकली ट्रेवल करेगी, या फिर तुम चाहो तो जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी थी वहां पर ये समझो व्हाइल ट्रेवलिंग वहां पर ऑब्लिकली ऐड कर लेना, व्हाइल ट्रेवलिंग ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब ऐसे इस एंगल पर अभी तिरछी आ रही, सीधी नहीं तिरछी आ रही है ना, तो व्हाइल ट्रेवलिंग ऑब्लिकली जो ऑब्लिकली आ रही होगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो सरफेस है दोनों पर जो इंटरफेस है, इंटरफेस पे जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो मैं लाइन बनाऊंगा इस तरह से, इसको नॉर्मल बोलेंगे, ये नॉर्मल हो गया हमारा, ये हो गया नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये नॉर्मल, और इनके बीच वाला जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, ठीक है। तो जब ये एक मीडियम से जैसे दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ऐसे आ रही है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या फिर ये बैंड हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से बैंड हो जाती है, यहां से थोड़ी सी मुड़ जाएगी, थोड़ा सा और मोड़ देते हैं, ये ऐसे आ रही थी ऐसे जाएगी तो ये मुड़ जाएगी, ठीक है। ये होती है ये रिफ्रैक्टेड रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे जैसे जा रही है रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल है पूरा का पूरा नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा भाई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या होती है ये ऐसे आ रही है और ये बेंड हो गई, तो ऐसा तब भी होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम एक से दूसरे में जाएगी तो बैंड हो जाएगी वो। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो बनाया मैंने पूरे ब्लैक बोर्ड के प्लेन पे, इस प्लेन पे बनाया है, व्हाइट बोर्ड सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं, तो व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे बनाया मैंने, तो इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पर है, नॉर्मल भी इसी प्लेन पर है और रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन पर है, तो तीनों जो है ये सेम प्लेन पर है, फर्स्ट लो यही सेम, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में लिखा था, रिफ्लेक्शन में क्या लिखा था, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट, ऑल थ्री लाइन द सेम प्लेन, तो ऐसे यहां पर भी इंसिडेंट नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, फर्स्ट ये हो जाएगा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस of two media at point of incident all three lie in the same plane, all three lie in the same plane, ठीक है। तो फर्स्ट लो तो ये हो गया, अब सेकंड लो क्या था, मतलब क्या है, मान लो ये मीडियम फिक्स है, मीडियम वन और मीडियम टू मैंने फिक्स कर दिए, अब मैं क्या कर रहा हूं इस एंगल को चेंज कर दू, पहले कम था एंगल, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, तो जैसे इसको बढ़ाता जा रहा हूं ये भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, ये भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और इस तरह से ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, किस तरह से इंक्रीज होता है, इनका जो साइन है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन आई, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन, ठीक है, ध्यान भी होगा साइन थीटा कॉस थीटा अगर पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी तुमने, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये एंगल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी बाय एच, ये साइन साइन थीटा परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस ये होता है, ठीक है, तो वही साइन है, यहां पर जो साइन होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये भी वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और यहां पर हम थीटा की जगह आई ले रहे हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका साइन और इसके साइन का रेशियो ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, इसका मतलब इसको अगर इंक्रीज करेंगे आई को तो आर भी इंक्रीज होता जाता है, इस तरह से कि इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या कांस्टेंट रहे,
ये लो, और इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये जो सेकंड लॉ जो होता है इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स कॉन्स्टेंट। और इसको अगर लिखना चाहो जो बुक में लिखा हुआ है सबसे, तो वैसे लिख लेते हैं, वो ऐसा होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशियो, भी होता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेंस कॉन्स्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो गिवन मीडियम है, दोनों फिक्स हैं, इन दोनों फिक्स मीडियम के लिए इनका एंगल भी, एंगल्स का रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर, इनका रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो यहां पर उसी को लिख लेते हैं, पहले स्नेल्स लॉ हुई, स्नेल्स लॉ साइन आई, ठीक है, सारे स्मॉल लेटर में, ये एस भी स्मॉल है, आई भी स्मॉल है, एन भी स्मॉल है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू जो होती है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारी होती है, जैसे मान लो ये मीडियम वन है, इस मीडियम वन में इसका स्पीड है v1, इसका स्पीड है v2। मीडियम वन में लाइट का स्पीड है v1, इधर लाइट का स्पीड है v2, तो ये होता है v1 अपॉन v2। साइन आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसके सामने उसका, जहां पर ये लाइट रहे उसके सामने उसकी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में, और नीचे वाले में उसके सामने, आर जहां पर है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, v1 अपॉन v2। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n2 है, मान लेते हैं, तो v1 अपॉन v2 जो होता है ये n1 अपॉन n2 बाय m1 के इक्वल होता है, n2 बाय m1। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, क्या किया था, 2 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में n2 बाय m1 लिखा था, और इसी को हमने क्या लिखा था, v1 बाय v2, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 n2 बाय m1, और इसको हमने v1 अपॉन v2 के इक्वल लिखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी को हम क्या लिख देते हैं, n2 बाय m1 को खाली n भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n, खाली ऐसे लिख सकते हैं। जाओ तो n का मतलब ये है, ये है, इस n का मतलब क्या है, ये है, इसका मतलब ये है जो है, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो ऐसा लिख सकते हो। अब इससे मुझे क्या पता चलेगा, देखो यहां वाले इससे ध्यान देते हैं, जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां एंगल ज्यादा होगा, जहां स्पीड कम होगी वहां एंगल कम होगा। अब चल रहा है इसका इसका रेशियो, इसके इसके रेशियो का इक्वल है, मतलब ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम। तो देखो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम है, तो मान लो ये रेयरर मीडियम है और ये मान लो डेंसर मीडियम है, ये है रेयरर, ये है डेंसर, रेयरर मतलब जहां स्पीड ज्यादा, डेंसर मतलब वहां स्पीड कम, तो यहां स्पीड ज्यादा यहां स्पीड कम, यहां स्पीड ज्यादा है तो एंगल भी ज्यादा होगा, यहां स्पीड कम है तो एंगल भी कम होगा, तो यहां एंगल ज्यादा होगा यहां एंगल कम होगा। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में आएगी, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, या फिर और क्या बोल सकता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो लाइट रे ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, इस एंगल को छोटा करना मतलब इस लाइट रे को नॉर्मल की तरफ खींचना पड़ेगा हमें। तो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में आती है तो क्या होता है, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और इसका उल्टा, उल्टा मतलब अगर ये वाली वैल्यू कम है ये भी कम होगा, ये ज्यादा है ये भी ज्यादा होगा, मतलब अगर वो डेंसर से रेयरर में आती है, अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में आएगी तो यहां क्या है, स्पीड कम तो एंगल भी कम, स्पीड ज्यादा रेयरर तो स्पीड ज्यादा होगी तो एंगल भी ज्यादा, मतलब ये वाला एंगल ज्यादा होगा इससे, तो एंगल ज्यादा कैसे होगा, तो इसको मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर बेंड करना पड़ेगा, तो ये एंगल हो गया ज्यादा।
ये एंगल कम, ये एंगल ज्यादा, तो क्या हो रहा है ये लाइट रे जो है ये नॉर्मल से दूर जा रही है, ऐसे आना चाहिए था, उस तरफ हट गई। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और जो लाइट रे होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर रेयर से डेंसर में आ रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल। तो इस चीज को ध्यान में रखना, उसको लिख लेते हम यहां पर ऐसे। घर बना लेते हैं, ये रेयर हो गया मीडियम, ये हो गया हमारा डेंसर, ठीक है, लाइट रे आ रही है, ये हो गया नॉर्मल। तो क्या होगा, ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी ऐसे, ये आई, ये आर। तो रेयर में स्पीड है v1 v2 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n1 n2। तो क्या क्या रिलेशन होगा इनमें, v1 ज्यादा होगा v2 से, तो अगर स्पीड ज्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम होगा, डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और आई की वैल्यू ज्यादा होगी आर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, इसमें से जो लाइट रे, लाइट बैंड्स टुवर्ड, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, कब, रेयर से डेंसर में जाएगी। और अगर ऊपर हो गया डेंसर, नीचे हो गया रेयर, इसमें स्पीड v1, इसमें स्पीड v2, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसमें n2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगा, तो डेंसर रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, आर ज्यादा होगा, आई कम होगा, आई की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू ज्यादा होगी, v1 कम होगा, v2 ज्यादा होगा, और n उल्टा होगा, n1 ज्यादा होगा n2 से, डेंसर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा रेयर से। तो ये चीज हम ध्यान में रखना है, चलो ध्यान में रखेंगे इसको अच्छे से, कि जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, और जब डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो इस चीज को हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ग्लास की बनी हुई, ट्रांसपेरेंट ग्लास की, उसकी रेक्टेंगुलर स्लैब है इस तरह से। ग्लास की बनी हुई पूरी, और इधर इसके इधर एयर है, नीचे भी एयर है, और इसके नीचे ये ग्लास लेयर है। अब लाइट रे जो है इसे एयर से आ रही है इस तरह से, इसको चाहो तो नाम दे दो पी क्यू, इंसिडेंट रे होगी या नॉर्मल बनाएंगे इसे, ये एंगल हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगी, ये लाइट रे जो होगी ये बेंड होगी, कैसे बेंड होगी तुम बताओ, ये एयर है, ग्लास है, तो गैस टोन की तरफ बेंड होगी, तो एयर मतलब रेयर, ग्लास मतलब डेंसर, तो रेयर से डेंसर में आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दो इसको, ये ऐसे बेंड होगी, ठीक है, और ऐसे जाएगी, ठीक है। एक जो एक सिंगल मीडियम जो होता है उसमें लाइट को स्ट्रेट ट्रेवल करना है, उसको मोड़ना नहीं है, तो एयर से एयर तक पूरी स्ट्रेट रखनी है, ग्लास से पूरी स्ट्रेट रखनी है, ना बीच में नहीं मोड़ना है, ऐसे ऐसे यहां पहुंच गई, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर, मान लो इसको, ये हो गया हमारा आर। अब यहां पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि जब ग्लास से एयर में जाएगी तो एक बार फिर रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मीडियम जब भी चेंज होगा मतलब रिफ्रैक्शन, तो यहां पर भी नॉर्मल बनाएंगे, यहां पर भी नॉर्मल बन गया ऐसे। अब देखो ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल होगा, ये दोनों क्या होंगे, नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, मतलब ये दोनों लाइन जो पैरेलल
पैरेलल लाइन को ये से एक ऑब्लिक लाइन कट कर रही है, तो ये और ये वाला एंगल क्या होता है हमारे सेम होते हैं, ये भी क्या होगा आर हो जाएगा, ये आर तो ये वाला एंगल भी आर होगा और इसको नाम देते हैं यहाँ पर आर कैपिटल। अब लाइट रे ग्लास से एयर में जब जाएगी तो फिर रिफ्लेक्शन होगा, अब बताओ कैसे बेंड होगी, डेंसर से रेयर में आएगी, डेंसर से रेयर में आएगी तो क्या होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगी इस तरह से, ऐसी जरूरी नहीं, ठीक है। और इसको दे देंगे इमर्जेंट एंगल, ये इमर्जेंट रे बाहर निकल रही है, पी क्यू आर एस एस का नाम दे देते हैं, तो पी क्यू तो जाएगा इंसिडेंट रे, क्यू आर को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और आर एस जो वो बाहर निकल गई मतलब इमर्जेंट रे, तो चाहो तो तुम नाम भी बोल दो इसको पी क्यू, पी क्यू मतलब इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे, और आर एस इमर्जेंट रे, और ये इमर्जिंग एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा, चाहो तो नाम भी लिख लो, आई को बोल देंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ई जो होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, कितना एंगल में इमर्ज होगी, एयर ग्लास एयर, अब ऐसे जाएगी। अब हम इसमें रिलेशन निकालेंगे आई और ई में क्या रिलेशन है, ठीक है, आई और ई में रिलेशन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, ठीक है, एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर एन, जो हमने एन लिखा था लास्ट रिलेटिव भी लिखा था, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे स्नेल्स लॉ को क्यू पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो स्नेल्स लॉ एट क्यू, क्यू पे अप्लाई करो तो साइन आई कॉन साइन आर, तो क्या होगा इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में, तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में किया जाएगा एन, सिंपल ऐसे लिख देंगे। और चाहो तुम अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं लिखना तो स्पीड लिख दो, इसमें स्पीड मान लो वी वन, स्पीड मान लो वी टू, यहां भी स्पीड वी वन हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, इसका स्पीड अपॉन इसका स्पीड वी वन अपॉन वी टू। अब इस पे अप्लाई करो स्नेल्स लॉ एट आर, आर पे अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां कितने एंगल पे इंसिडेंस हो रही है आर एंगल पर, और कितने पे इमर्ज हो रही है बाहर निकल रही है ई पर, तो साइन आर अपॉन साइन ई, यहां पर ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जितने एंगल पे इंसिडेंस हो रही है और ये जितने भी बाहर निकल रही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो आई की जगह आर लिख देंगे और आर की जगह ई लिख देंगे इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके सामने वाला स्पीड वी टू और इधर इसका स्पीड वी वन वी टू बाई वी वन। अब इसको उल्टा कर देंगे, इसको मैं उल्टा करता हूं, उसको उल्टा करेंगे तो क्या दिखेगा मुझे साइन ई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू, उसको उल्टा करो तो साइन ऊपर जाएगा तो वी वन भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे तो ये भी नीचे, अब वी वन अपॉन वी टू इसके इक्वल है, वी वन अपॉन वी टू तो वी वन अपॉन वी टू ये लिख सकता हूं, तो यहां पर लिख देंगे साइन ई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर साइन आर कैंसिल, इसका मतलब साइन ई इक्वल्स टू साइन आई, ई इक्वल्स टू आई, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है सेम है, ये भी नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ये भी नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, तो ये एंगल एंगल सेम है। अगर इसको आगे बढ़ाऊंगा ऐसे, इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया हमने, ठीक है, तो जब इंसिडेंट रे को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये दोनों जो है ये पैरेलल है, ये दोनों एंगल सेम है, ये एंगल सेम है मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, ये से कट कर रहा है नॉर्मल, ये दोनों इक्वल होंगे अगर एंगल सेम है, इसका मतलब तो ई और आई सेम है, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, इसका मतलब बोलेंगे हम इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंस रे आर पैरेलल, पी और आई सेम है, तो यहां पर मैं बोल दूंगा इसमें हियर इंसिडेंट रे एंड इमरजेंस रे आर पैरेलल,
इंसिडेंट रे और इमरजेंसी रे क्या होती है, पैरेलल होती है, बट बीच में क्या आ गया, ग्लास स्लैब आ गया, तो ग्लास स्लैब की वजह से इसका जो पाथ है ओरिजिनल पाथ ये है। अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये रे इस पाथ पे मूव करती, ड्यू टू ग्लास स्लैब क्या होगा इसका पाथ शिफ्ट हो गया, अब ये इधर जा रही है। ये किसकी वजह से हुआ, रिफ्लेक्शन की वजह से, तो रिफ्लेक्शन की वजह से ये थोड़ी बेंड होकर इधर शिफ्ट हो गई, अभी भी है तो पैरेलल ही, ठीक है। इसमें ये चीज भी ध्यान रख सकते, बीच में मैं कोई भी मीडियम रख दूं, ग्लास रख दूं, ग्लास जैसे वाटर रख दूं, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, केरोसिन, अल्कोहल, कुछ भी रख दिया, ये इंसिडेंट रे और इमरजेंसी रे ये हमेशा पैरेलल आएगी। और चाहो एक की जगह तुम बहुत सारे मीडियम रख दो अलग अलग, सबसे पहले ऊपर तुमने डाल दिया कोई भी केरोसिन डाल दिया, फिर अल्कोहल डाल दिया, फिर वाटर डाल दिया, ऐसे अलग अलग मीडियम डाल दिया, ग्लास डाल दिया, तीन चार मीडियम, पर यहाँ पर भी एयर है और फाइनली फिर एयर है, यहाँ पर भी एयर है फाइनली फिर एयर है, यहाँ पर और यहाँ पर जो रेज होंगी वो अभी भी पैरेलल ही होंगी। तो कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही है, बीच में बहुत सारे मीडियम आ गए अलग 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 अलग, ठीक है, तो दो रेज कहां पर पैरेलल मिलेगी, जहां पर मीडियम सेम होगा, एयर ऊपर, एयर एकदम ऊपर एकदम लास्ट में एयर है, तो ये वाली रे एयर के अंदर और ये नीचे वाली रे एयर के अंदर, ये दोनों पैरेलल होंगी। बीच में मान लो दो जगह कहीं वाटर मिल गया, यहाँ वाटर मिल गया और नीचे कहीं यहाँ पर वाटर मिल गया, तो वाटर वाली रे इस वाटर वाली रे और इस वाटर वाली रे ये दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। तो सेम मीडियम है, तो सेम मीडियम में कोई लाइट रे अगर ट्रेवल करती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से होती जाती है, बीच बीच में सेम कहीं मीडियम मिल जाता है, रिपीट हो जाते हैं मीडियम मतलब, तो उन रिपीट जो रहे मीडियम उनमें लाइट रेस पैरेलल मिलेंगे सेम मीडियम के अंदर, तो यहाँ एयर है यहाँ भी एयर है, तो ये रे पैरेलल मिलेगी मुझे, तो इस चीज को भी हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में अभी ये इंट्रोडक्शन है हमारा, सिंपल चल रहा है, इसके आगे हम और बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, जैसे प्लेन सरफेस से कैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो रहा है, जैसे मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं पानी के अंदर कितना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है हमें, पूल जो है पानी का उसमें कितना ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, मतलब जो इमेज है वो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज की पोजीशन निकालेंगे पहले, प्लेन सरफेस से निकालेंगे इमेज की पोजीशन, फिर उसके बाद हम रिफ्लेक्ट करेंगे इससे स्फेरिकल लेंसेज से, जैसे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर पढ़ा था, ऐसे लेंस पढ़ेंगे यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन में, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, फिर उनसे रिफ्लेक्शन पड़ेंगे, ठीक है, और फिर उनमें भी लेंस फॉर्मूला आएगा, जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे लेंस फॉर्मूला बनेगा, वहां भी मैग्निफिकेशन आएगा, ठीक है, और भी टर्म्स आएगी, तो उन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ते हैं, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सबको तुम अच्छे से ध्यान से समझना है, इनको क्या क्या फॉर्मूलाज है, कैसे कैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एक चीज पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि हम यही सब जो बेसिक बेसिक चीजें इन सबको यूज में लेंगे आगे, ये सब चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। और जो होमवर्क दिया है मैंने उस होमवर्क को कंप्लीट करना है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, ठीक है, और जो हमने क्लासिफिकेशन किया उनको अच्छे से समझ कर फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने हैं, एक चीज क्लियर करके, और जो चीज क्लियर नहीं हो रही है उसको तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आया समझ में, तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।